वंस अगेन वेलकम बैक फ्रेंड्स, मेरा नाम है नायाब और आप देख रहे हैं विश फिटनेस। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा किसी भी पार्टी, किसी भी ओकेशन या आपका कोई भी खास मौका है तो वहां पे अपने आप को आप टोन्ड किस तरह दिखा सकते हैं, अपने आप को हार्ड किस तरह दिखा सकते हैं। सभी एक्टर्स बॉलीवुड हॉलीवुड सब में होता है, इसको बोला जाता है पी क्विक, बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन में होता है। सो इसको मैं डिटेल में बताऊँगा, ज़्यादा कुछ भारी नहीं है बट इट इज़ ब्रूटल। सो मैंने किया है, सो मैंने कल ही फोटोशूट किया था, सो सोचा आज वीडियो बना दूं। सो फ्रेंड्स, चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, लेट्स गेट इनटू द बिजनेस। पी क्विक जो है ये होता क्या है? एक्चुअली ये कार्बोहाइड्रेट, वाटर एंड सोडियम एंड पोटाशियम का खेला है। बॉडी बिल्डिंग इसीलिए बहुत ज़्यादा इनफेमस है बिकॉज जो पी क्विक होता है उसमें बहुत सारे बॉडी बिल्डर्स हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं, बहुत सारे मर जाते हैं बिकॉज वो लोग अपने आप को पुश करते हैं एक सर्टेन लेवल पे। क्योंकि इसका जो मेन जो एम होता है वो होता है आपका जो मसल होता है और आपका जो और स्किन होता है उनके बीच में जो वाटर होता है उनको वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा रिड्यूस करना चाहते हैं, ख़त्म करना चाहते हैं ताकि उनका मसल जब स्किन से टकराए तो पॉपिंग लगे, वेनी लगे। सो इस तरह का लुक अचीव करते हैं, करना चाहते हैं ताकि वो ज़्यादा ग्रेनी लगे, हार्ड लगे। सो किया कैसे जाता है, आइए मैं आपको बताता हूँ। तो फ्रेंड्स, करना कैसे है, 10 डेज आपके हाथ में है। स्टार्टिंग आप इस तरह करें कि आप वाटर को आप 5 से 6 लीटर कर दीजिए, इससे आपका जो वाटर रिटेंशन है वो कम होता है, और सोडियम बंद कर दीजिए। ये 2 दिन इस तरह आपको करना है, और कार्ब इस तरह करना है फ्रेंड्स कि आपको कार्ब आहिस्ता आहिस्ता कम करना है। जैसे कि आप 10वें दिन में 4 रोटी खा रहे हैं तो आहिस्ता आहिस्ता उसको कम करना है, 2-1। और जब आपका 7 दिन बाकी रहेगा फ्रेंड्स तो इट्स गोना वेरी ब्रूटल, इट इज़ वेरी टफ। ये मेंटेलिटी का खेला है फ्रेंड्स, सब नहीं कर पाते हैं। जब आप 7 दिन बाकी है तो उस वक्त आपको टोटल कार्बोहाइड्रेट पूरा बंद कर देना है, नो फैट्स। आपको सिर्फ खाना है चिकन, वो भी ओनली ब्रेस्ट, फैट वगैरह नहीं होना चाहिए, और वेजिटेबल्स कैलोरी लेना है और एग वाइट्स से लेना है। ये 3 चीज़ पर आपको जीना है, और बहुत ख़राब लगेगा फ्रेंड्स, और वर्कआउट भी आपको चेंज करना पड़ेगा। वहाँ पर आपको कार्ब डिप्लीट, आपको ग्लाइकोजन डिप्लीटिंग वर्कआउट करना पड़ता है क्योंकि आपके पास इतना पावर नहीं है, और आपका मेन फोकस ये रहना चाहिए कि आपके मसल में जो ग्लाइकोजन है वो पूरा डिप्लीट हो जाए। और डिप्लीट क्यों करना है ये बाद में बताता हूँ। आपको पूरा डिप्लीट करना है, आपको वर्कआउट इस तरह करना है कि होल बॉडी पार्ट वर्कआउट करना है, जैसे कि बाइसेप, ट्राइसेप, एब्स और एरोबिक्स वगैरह साथ में मिला के। इस पीरियड में आपका कोई मसल गेन नहीं होगा बट इट इज़ ये करना पड़ता है। ग्लाइकोजन डिप्लीट करने के लिए कोई मकसद नहीं है, इट इज़ मीनिंगलेस बट फिर भी किया जाता है क्योंकि एक हार्ड लुक अचीव करने के लिए ये पार्ट एंड द पार्सल है पी क्विक का। सो फ्रेंड्स, 7 दिन बाकी है, अपने कार पूरा बंद कर दिया, आपको कैलोरी मिल रहा है एग्स, चिकन एंड एग वाइट एंड वेजिटेबल्स है। सो इस तरह आप जाएंगे, कार्बोहाइड्रेट पूरा बंद है, आपका फेस छोटा होगा, आप घर में बोल सकते हैं आप बीमार है शायद, बट ये करना पड़ता है उस तरह के लुक को अचीव करने के लिए। और जब 3 दिन बाकी रहेगा आपका फोटोशूट या कॉम्पिटिशन से, उस 3 दिन में बहुत ख़तरनाक होता है फ्रेंड्स। वो 3 दिन में आपको पानी को बंद करना पड़ेगा, जैसे कि 3 दिन बाकी है तो अचानक से बंद नहीं करना है क्योंकि उस प्रॉब्लम हो सकता है। 3 दिन बाकी है तो 3रे दिन आप पानी को 1 लीटर कर दीजिए, और 2रे दिन पानी को उसका भी हाफ कर दीजिए, और मैं बोलूँगा बंद कर दीजिए पूरा, और थोड़ा थोड़ा पीना है, सिपिंग करना है जब आपको मेडिसिन वगैरह खाना है, और 3रे दिन भी सिपिंग करना है, एकदम नहीं खाना है। और आप अगर आपका संडे को आपका कंपटीशन है या फोटोशूट है, सपोज़ कीजिए संडे को 12 बजे है, तो उससे 24 घंटे पहले आपको कार्ब लोडिंग करना है। कार्ब लोडिंग इज़ वेरी एसेंशियल, अगर आप कार्ब लोडिंग नहीं करते हैं तो आपका सारा मेहनत बर्बाद हो जाता है क्योंकि जो आपका ग्लाइकोजन डिप्लीट हुआ है और आप 10 दिन के बाद जब कार्ब खाते हैं तो बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है और उसका एब्जॉर्प्शन का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि जिस तरह एक स्पॉन्ज होता है फ्रेंड्स, अगर वो ड्राई हो चुका है तो अगर आप उसमें पानी देंगे तो बहुत ज़्यादा लेता है बहुत दिन के बाद। तो इसी तरह हमारा मसल है तो ग्लाइकोजन को बहुत ज़्यादा स्टोर करेगा। उसके बाद जब आप पंप वगैरह करेंगे तो बहुत ज़्यादा वेनी लगेंगे, एक अलग लुक आएगा, बट वाटर नहीं देना है। अगर वाटर दे दीजिएगा तो आप ब्लोटेड हो जाएंगे, थोड़ा वाटर देना है क्योंकि मसल को भी वाटर चाहिए होता है, बट इतना भी नहीं देना है कि आप ब्लोटेड हो जाए, थोड़ा देना है जब आपको ज़रूरत लगे। और कार्ब को अचानक 24 घंटा से पहले दबा के नहीं खाना है, आपको मेज़रमेंट करके
खाना पड़ता है अपने बॉडी के हिसाब से, ताकि आप ब्लोटेड ना हो, क्योंकि अगर ब्लोटेड हो गए आप तो सारा गेम ख़त्म हो जाएगा, सारा मेहनत बर्बाद हो जाएगा। सो ये कार्ब जो बॉडी में इंट्रोड्यूस किया जाता है, ये इंस्टॉलमेंट के तौर पर किया जाता है, लाइक मील्स, छोटे छोटे मील्स, लाइक आप दो रोटी खाए या थोड़ा सा ओट्स और चार पांच मील खाए, या चार बहुत मैक्सिमम है, चार छोटे छोटे मील्स खाए, और हमेशा अपने बॉडी को एक चेक में रख के देखते रहे कि आपका बॉडी किस तरह अच्छा लग रहा है, क्योंकि ज़्यादा कार्ब हो गया तो सारा मेहनत बर्बाद हो जाएगा। और पानी को चेक में रख के पानी ना पिए, क्योंकि ब्लोटेड हो गया तो फिर आप अपना जो आपका कटिंग वगैरह है वो आप स्टेज पे दिखा नहीं सकेंगे या फ़ोटो पे आप दिखा नहीं पाएंगे, सो मेहनत बर्बाद हो जाएगा और फेस वगैरह भी थोड़ा फूल सकता है अगर आपने पानी पी लिया। तो मैं कहूँगा आप पानी बहुत कम पिए और कार्बोहाइड्रेट को नाप तोल कर खाए, ताकि आपका लुक ख़राब ना हो। तो शूट के दिन क्या किया जाता है मैं आपको बताऊँ, मेरा अपना एक्सपीरियंस जो बहुत हेल्प करता है। फ़ोटोशूट के दिन आप सोना बाथ ले, यानी गर्म पानी से आप नहाए, ताकि आपका बॉडी एक वार्म स्टेट में जाए, और जब आप पंप वगैरह करें तो बहुत ज़्यादा वेनी लगे। और ड्यूरिंग द वर्क आप कंपटीशन या फ़ोटोशूट से पहले वर्कआउट ज़रूर करें लाइट वेट से पंप करने के लिए, क्योंकि अगर आप लास्ट मोमेंट में ये सब चीज़ों को अगर छोड़ देते हैं तो आपको जो मिलना है वो नहीं मिल पाता। और थोड़ा सा आप गैटोरेड या रेडबुल वगैरह थोड़ा सा दे सकते हैं, सिपिंग ज़्यादा नहीं करना है, क्योंकि आपका बॉडी फिर ब्लोटेड हो जाएगा। सो आप पंप वर्कआउट ज़रूर करें कंपटीशन या फ़ोटोशूट से पहले, वो आपको एक स्ट्रॉन्ग लुक देता है, एक हार्ड लुक देता है, एक ग्रेनी लुक देता है। फ्रेंड्स मुद्दे पे आते हैं, मेडिसिन क्या यूज़ होता है। सो जो मैंने यूज़ किया है वो मैंने 50 mg स्टेनाजोलोल डेली यूज़ किया है 10 days तक, क्योंकि स्टेनाजोलोल इज़ मस्ट फॉर गेटिंग अ ड्राई लुक। एंड DST ब्लॉकर भी आपको यूज़ करना पड़ेगा, लाइक लेट्रोजोल 2 mg पर डे। इट इज़ वेरी हार्ड फ्रेंड, 2 mg बहुत ज़्यादा है, ज़्यादातर लोग इसे तोड़ कर लेते हैं क्योंकि 2 mg बहुत ज़्यादा है, बट आपको 10 दिन में जल्दी रिजल्ट चाहिए तो 2 mg आपको लेना पड़ेगा। मैं समझता हूँ लेट्रोजोल बहुत अच्छा रिजल्ट देता है टू गेटिंग अ ड्राई लुक। एंड T3 मैंने ऐड किया था और क्लीन पेट्रोल भी ऐड किया था, एंड आई फक माई सिस्टम फॉर 10 days, बट ये 10 days के लिए था, फ़ोटोशूट होने के बाद अच्छा लगता है। सो इसके बाद मैंने सब मेडिसिन आज से बंद कर दिया है और फ़ोटोशूट कंप्लीट हो गया है। मैं शेयर कर दूंगा सारा पिक आपके साथ, और दैट्स इट, ये था एक रिवार्ड जो आपको करना पड़ता है। बट फ्रेंड्स मैं कहना चाहता हूँ ये मेंटेलिटी का खेला है, क्योंकि ये 10 दिन बहुत तकलीफदा होता है, बहुत कठिन होता है, गुजरता नहीं है कि कब नींद वगैरह नहीं आता है, क्योंकि आपके माइंड को अगर ग्लूकोज नहीं मिलता है तो काम नहीं करता, आप कंफ्यूज रहते हैं, मन नहीं करता, चिड़चिड़ापन लगता है। सो ये सारी चीज़ें होती है, सो बट ये सभी करते हैं, जितने भी एक्टर्स, जितने भी फिटनेस फ्रीक्स और जितने भी मॉडल को आप TV पे देखते हैं, वो साल भर उस तरह नहीं लगते हैं, किसी पार्टिकुलर टाइम पर लगते हैं जब उनका डिमांड होता है स्क्रिप्ट का। और एक बात बता दूं फ्रेंड, जो सारे फिटनेस मॉडल है जो वो एक बार ही फ़ोटो शूट करते हैं और 365 फ़ोटो उठाकर साल भर उसी को छोड़ते हैं, बिकॉज इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू लुक लाइक दैट ऑल ओवर द ईयर। सो ये था पिक विक फ्रेंड्स, आप इस तरह अचीव कर सकते हैं, पिक विक का फंडा यही है। तो फ्रेंड्स पिक विक कीजिए, शादी ब्याह फंक्शन वगैरह में आग लगाइए। सो दैट्स इट फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, और जो रेड बटन निकल गया है उसको भी टक 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 ज़रूर दबाएं, ताकि इस तरह का लल्लंटा आपका थ्रू वीडियो आपको एक रेगुलर बेसिस पे मिलता रहे। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अंटिल देन गुड बाय, वन लव, पीस आउट, आई लव यू ऑल।